बच्चों, आज हम लोग मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन को समझेंगे। तो मिश्र वाक्य क्या है? जिसमें दो उपवाक्य आपस में जुड़े होते हैं, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक मिश्रित उपवाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें दो वाक्य आपस में एक समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। तो पहले उदाहरण पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी, तो ये मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर बारिश होने लगी ये मुख्य वाक्य है, और जैसे ही हम घर से बाहर निकले ये आश्रित उपवाक्य। इसको हम जब संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा? हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। तो यहाँ दो ये दो वाक्य जो है और समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि और से जुड़ रहे हैं, इसलिए ये एक क्या है? संयुक्त वाक्य। उसी तरह से अगले उदाहरण पर हम लोग ध्यान देंगे। जो ही सभा समाप्त हुई त्यों ही अतिथि चले गए। तो जो ही और त्यों ही से ये वाक्य जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम मिश्र वाक्य में समझेंगे। इसको जब संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा? सभा समाप्त हुई और अतिथि चले गए। तो यहाँ और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय से दो वाक्य आपस में जुड़े हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य। अगले उदाहरण पर ध्यान देंगे। जैसे ही हम घर से निकले आंधी चल पड़ी। तो यहाँ पर जैसे ही हम घर से निकले ये आश्रित उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है आंधी चल पड़ी। इसको हम जब समुच्चय बोधक संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो एक समुच्चय बोधक अव्यय का इस्तेमाल करेंगे। हम घर से निकले और आंधी चल दी। तो यहाँ और क्या है? एक समुच्चय बोधक अव्यय है, इसी से हम पकड़ेंगे यह एक संयुक्त वाक्य है। अगले उदाहरण पर ध्यान देंगे। मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार था। तो यहाँ ऐसे है ना, मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार था। तो जो बहुत होशियार था है कि नहीं, और ये मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला, ये दोनों क्या है? एक उपवाक्य है जो आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए मिश्र वाक्य है। इसको जब संयुक्त वाक्य में हम बदलेंगे तो मैं एक डॉक्टर से मिला और वह बहुत होशियार था। तो यहाँ और से जुड़े होने के कारण यह एक संयुक्त वाक्य है। अगले उदाहरण पर ध्यान दिया जाए। जब आप उनसे मिलना चाहें तब द्वार पर प्रतीक्षा करें। तो ये इसमें जब आप उनसे मिलना चाहें तब द्वार पर प्रतीक्षा करें। तो इसमें दो उपवाक्य आपस में जुड़े होने के कारण मिश्र वाक्य है। इसको जब हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा? आप उनसे मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें। तो यहाँ तो जो है एक समुच्चय बोधक अव्यय है, इसी कारण ये एक संयुक्त वाक्य। तो बच्चों आप समझ चुके हैं कि मिश्र वाक्य को कैसे हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि संयुक्त वाक्य में जब बदलेंगे तो एक समुच्चय बोधक अव्यय का इस्तेमाल जरूर करें, तो ही वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। इसको घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।